हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए, मज़े में हो गए और पॉजिटिव फील कर रहे हो गए। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट की लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आप दोनों की लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, ठीक है। आपको एकदम हैप्पी और पॉजिटिव रहकर रीडिंग को देखना है, किताब पे ध्यान नहीं देना है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है और कलेक्टिव की एनर्जीज होती है, तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। जो रेजोनेट होता है उसे रखे, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए। अगर आप बहुत सालों से महीनों से इंतजार कर रहे हो आपके पार्टनर के एक्शन का और एक्शन नहीं आ रहा है, डेफिनेटली इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करनी। तो देखते क्या निकल के आता है, आप दोनों की लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, या आपकी साइड है आपके पार्टनर की साइड, ओके। ओके, दो कार्ड्स आ चुके हैं यहाँ पे, ओके। आपकी पार्टनर की लाइफ में इसको क्या चल रहा है, ओके। बॉटम में यहाँ पे 10 स्टार ओवरऑल एनर्जी है, ठीक है। जैसे कि दोनों ही अपने ज़िंदगी को अच्छे से जीने की कोशिश करते हो, मुझे दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे स्ट्रांगली साइंस निकल के आए, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस एरीज लियो सैजिटेरियस जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस आपके आपके पार्टनर के हो सकते हैं। अगर आपके साइड से बात करूँ तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल, आपके पार्टनर के लिए, अपने प्यार के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो उनके लिए, बस वो एक बार आ जाए आपके साथ और रीयूनियन कर दे। जो कि थर्ड पार्टी की वजह से आपका रिश्ता रुका हुआ है, आप दिल से चाहते हो कि आपके इस रिश्ते से थर्ड पार्टी चली जाए और आपके पार्टनर जैसे कि आपको बताए कि जितना प्यार आप उनसे करते हो उतना ही प्यार वो आज भी आपसे करते हैं। आपके कान तरस चुके हैं ये बात सुनने के लिए। आपका लव लाइफ इस वक्त बहुत ज़्यादा, मतलब आप इतने इमोशनल होना, आपके इमोशंस का बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपके लव लाइफ में उठाया गया है, ये आपकी लव लाइफ में इस वक्त चल रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हो आप आपके पार्टनर के एक्शंस का, जो कि आपको नहीं आ रहा है। अगर आपकी फैमिली लाइफ की बात करो तो आपकी फैमिली में कोई थर्ड पर्सन है जो कि आपके घर में नेगेटिविटी को मतलब इंक्रीज कर रहा है। किसी और की वजह से आपके घरों में झगड़े हो रहे, तकलीफ हो रही है और आप बहुत ज़्यादा मतलब कि अपने घर को ना इस तरह से लगता है कि घर को छोड़ के कहीं पर भाग जाओ, इस तरह से घर पर रुकने का आपका मन ही नहीं करता है। ज़्यादा परेशान किया जाता है आपको और आपका दिल बहुत करता है कि हमेशा घर से बाहर ही रहा जाए। आप लड़की भी हो, अगर आप जॉब नहीं करते हो, घर से बाहर नहीं जाते हो, फिर भी आपका घर से जैसे कि भाग जाने का दिल करता है, बहुत ज़्यादा परेशान है। कोई थर्ड पार्टी जो आपके घर में इस वक्त जो कि आपकी फैमिली को डिस्टर्ब करती हुई मुझे नज़र आ रही है और आपका जैसे कि चैन सुकून कंप्लीट खो चुका है। दिल बहुत करता है कहीं पे घूमने जाने का, कहीं घर से बाहर निकलने का, लेकिन जो कि निकल नहीं पा रही इस तरह से है। आपका जॉब भी, जहाँ पे भी आप जॉब करते हो जॉब से आप बहुत परेशान हो चुके हो, हो सकता है कोई थर्ड पार्टीज आपको वहाँ पे भी परेशान कर रहे हैं, क्योंकि सेंटर में ही थर्ड पार्टी का कार्ड है। जो कि आपकी लव लाइफ में भी थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम है, आपकी फैमिली लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टीज तकलीफ दे रही है आपको, और जैसे कि आपके जॉब पे भी कोई थर्ड पार्टी है जो आपको तकलीफ दे रही है, जिसकी वजह से आपको ना जॉब छोड़ने का दिल कर रहा है। जॉब, बिजनेस, जो भी हो, आप जो फाइनेंस को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करने के लिए जो भी करते हो, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। आपका बहुत ना उसको छोड़ के जाने का दिल कर रहा है। ट्रैवलिंग यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। इंसान जाना नहीं चाहता लेकिन थर्ड पार्टीज़ की वजह से परेशान होकर वो कि जाने के लिए निकलता है। इस तरह से आपका फाइनेंस और जॉब मुझे नज़र आ रहा है। आपको तकलीफ यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही है, आप ओवरऑल बहुत ज़्यादा परेशान मुझे इस वक्त नज़र आ रहे हो, लव लाइफ में भी, फैमिली लाइफ में भी और अपने करियर में भी। आपका इस तरह से कि आप मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो अपनी ज़िंदगी को लेकर, लेकिन जो कि आपके अंदर जो नेगेटिविटी भरी गई है ना, एक तो आपको लव लाइफ से भी धोखा मिला है और घर में भी इतना नेगेटिविटी होने की वजह से आप मतलब समझ नहीं पाते हो कि मैं इतना पॉजिटिव पर्सन होने के बावजूद और ज़िंदगी में हमेशा आप ऐसे कि हंसने वाले पर्सन हो, कभी भी किसी को सैड देख नहीं पाते और जैसे कि खुद भी कभी सैड नहीं रहते, लेकिन आपकी ज़िंदगी में एक अलग से नेगेटिविटी आने की वजह से आप परेशान हो कि ऐसा क्यों हो रहा है और कब आपके साथ मतलब कि सब कुछ ठीक होगा। आप सब कुछ ठीक होने का इंतज़ार कर रहे हो और नेगेटिव्स में ये आया है कि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो अपनी लव लाइफ को लेके।
थर्ड पर्सन्स को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। जब तक कि आप कोई डिसीजन नहीं ले पाते, आपके कोई भी आपका जो भी लगता है कन्फ्यूजन आपका, शायद लव लाइफ को लेके भी हो सकता है या अपनी जॉब को लेके भी हो सकता है, लेकिन जब तक आप डिसीजन नहीं लेते हो ना, कोई एक या तो रहना या तो छोड़ के जाना है, तब तक आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। आपको इस वक्त जो कि कोई एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है, इस तरह से यूनिवर्स आपको बता रहे हैं। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी फील होती है आपके पार्टनर की, कि आपके पार्टनर जैसे कि आपके पास आना चाहते हैं लेकिन आते नहीं, अपने फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और जैसे कि यहाँ पर भी कोई थर्ड पार्टी जो बस अपना स्वार्थ अपने सेल्फिशनेस के लिए आपको तकलीफ दे रही है, आपको ये भी मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है। आपके फैमिली में भी कोई थर्ड पर्सन जो है आपको तकलीफ देने वाला, आपकी फैमिली का जो भी दुश्मन है आपको पता है, लेकिन आप जब बताने जाते हो तो आपके फैमिली वाले जैसे कि आपकी बातों पर भरोसा नहीं करते हैं, इस तरह से यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, आपको कन्फ्यूजन से हटने की ज़रूरत है और कोई एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है। तो अगर आपके पार्टनर की साइड से बात करूँ तो आपके पार्टनर की साइड में यही आया, आप देख सकते हैं यहाँ पे आप अपने प्यार का कप अपने पार्टनर को देने के लिए रेडी यहाँ पे बैठे हो, लेकिन आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत नहीं है आपके प्यार का कप स्वीकार करने की। इनको डर लगता है आपके पास आने का, स्ट्रेंथ नहीं इनके अंदर अपने, इनकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा इसी तरह से, इनकी लव लाइफ इसी वजह से रुकी हुई है क्योंकि स्ट्रेंथ नहीं जमाने की वजह से, आपके पास एक्शन लेने के लिए वो स्ट्रेंथ नहीं जमाते, आपसे प्यार बहुत करते। आप देख सकते हो यहाँ पे टू ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि पॉजिटिव में आया है, आपको अपनी दुनिया मानते, बहुत प्यार करते, आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, लेकिन जो इन्होंने आपको टेन ऑफ सोर्स वाला पेन दिया है ना, इस टेन ऑफ सोर्स वाले पेन को ना तो ये खुद भुला पाते हैं, इनको ये भी लगता है कि आप भी शायद ये नहीं भुला पाओगे इन्होंने जो भी आपके साथ किया है। इन्होंने आपको डेफिनेटली चीट किया है और जो नेगेटिव एनर्जी इनको बहुत ज़्यादा फील हो रही है, इनकी लाइफ में इस वक्त कुछ भी अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा सैड है। ठीक है, अपनी ज़िंदगी इनकी फैमिली लाइफ में जैसे कि वो सबको मतलब संभालने की अच्छे से कोशिश करते हैं, किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए इस तरह से देखते हैं और सब कुछ कंट्रोल अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो कि शायद इनके घर में जो ऐसे लोग हैं जो इनकी बातें नहीं मानते, इस वजह से भी इनका बहुत ज़्यादा इनको बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है, और जैसे कि काम में इनके ऊपर इस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर नज़र आ रहा है। ठीक है, बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जो कि सीनियर से उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहे, इरिटेट कर रहे। ठीक है, इस वजह से जो कि ज़बरदस्ती का काम इनको करना पड़ रहा है और थक चुके हैं अपने, मतलब ये काम करके भी थक चुके हैं, फैमिली को संभालने के लिए कोशिश करके भी थक चुके हैं, और जैसे कि लव लाइफ में स्ट्रेंथ नहीं होने की वजह से अपनी ज़िंदगी से आपके पार्टनर मुझे बहुत ज़्यादा निराश नज़र आ रहे हैं। इनको इस वक्त बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत है, इनके अंदर का मोटिवेशन जीने के लिए कम्प्लीट ख़त्म हो चुका है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है इनके अंदर। आपके घर में भी वही हाल है, इनके घर में भी वही हाल है, ओवरऑल आपका यही है कि आप दोनों की फीलिंग्स और इमोशनल आप बहुत ज़्यादा टूटने की वजह से आप दोनों ही ना अपना 100% कहीं भी नहीं दे पा रहे हो। आप दोनों को एक दूसरे के साथ होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन जो कि जब तक कि इनके अंदर हिम्मत नहीं आएगी अपनी लव लाइफ को ठीक करने की, तब तक जो कि आप मतलब पॉजिटिव वाइब्रेशंस में आने के चांसेस बहुत लो है इस तरह से। तो यहाँ पे जैसे कि आपके पार्टनर तो इस वीडियो को नहीं देख रहे हो, आप देख रहे हो, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप पॉजिटिव रहो, आप पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टेक्निक्स को यूज़ करो, मैनिफेस्ट करो और खुद अपने लाइफ में पॉजिटिव होकर जियो, ताकि आपकी पॉजिटिव एनर्जीज आपके पार्टनर को फील हो, ताकि उनके अंदर हिम्मत आ जाए आपके लिए एक्शन लेने के लिए। मुझे तो यही फील हो रहा है। ठीक है, आपको यही करना पड़ेगा ताकि आपके ये जो पार्टनर इस तकलीफ में है ना, इस तकलीफ से वो निकल जाए। बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज है इनके अंदर इस वक्त। ठीक है, हम देखते हैं यूनिवर्स आपको इस रिश्ते के लिए क्या गाइड करते हैं, गाइड करिए रे इनकी लव लाइफ के लिए क्या मैसेज है, इनके लिए इनकी लव लाइफ के लिए इस वक्त क्या मैसेज है, क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को इस वक्त इनकी लव लाइफ के लिए क्या करना चाहिए आपको। आपको जैसे कि आपके आप बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग एनर्जीज में रहते हो, आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा स्टॉक करते रहते हो, फोटोज़ वीडियोस इनके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखते रहते हो, इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, हैप्पी है सैड है, मतलब कि जो है आप देखते रहते हो ना, तो ये आपको बंद कर देना है। ठीक है, स्टॉकिंग करना बंद करो, क्योंकि यही स्टॉकिंग एनर्जीज आपको वेटिंग एनर्जीज में डाल देती है, उसकी नेगेटिविटी बढ़ जाती है, और फिर ना आप मतलब जो भी इनकी ज़िंदगी में देख लेते हो जिससे कि आपको तकलीफ होती है, तो आपको ये सब कुछ करना बंद करना है। यूनिवर्स आपको यही बता रहे हैं, आपको अपनी ज़िंदगी पर फोकस करना है, जिसकी वजह से जो कि इनके अंदर पॉजिटिविटी आने लगी। जब जब आप जलते हो, आप बददुआ देते हो, आपको तकलीफ होती है, जो कि नेगेटिविटी इनके पास चली जाती है, तो आपको सबसे पहले ये करना बंद करना है, तब जाके आपके अंदर से आपके दिल से जो निकलता है ना सब कुछ इनके लिए, जलन और तकलीफ और बददुआ ये सब निकलना बंद हो जाएगा। जब तक कि आप इनको स्टॉक करना बंद नहीं करते, तब तक कि ये पॉसिबल नहीं है। आपके पार्टनर की ज़िंदगी में आपके पार्टनर को क्या करने की ज़रूरत है इस वक्त,
आपके पार्टनर की ज़िंदगी में इनको क्या करने की ज़रूरत है। इनको जैसे कि ना बहुत ज़्यादा ईगो दिखाते हैं वो हर किसी को, ठीक है, तो ना ये ईगो नहीं दिखाए, इनको ईगो छोड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो ये ईगो नहीं छोड़ पाते ना, इसी वजह से इनकी ज़िंदगी इतनी डिस्टर्ब है। लेकिन ये इनको कौन बताएगा। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पे इनका बहुत दिल करता है, हर कोई चीज़ आपसे बात करने का दिल करता है लेकिन करते नहीं है, और घर में जैसे कि कंट्रोल करने का बहुत दिल करता है लेकिन जो घर वाले बातें नहीं मानते तो ज़बरदस्ती कर नहीं पाते उनके ऊपर। और जैसे कि यहाँ पे भी जो काम करते हैं तो काम करते टाइम इनको ना बहुत दिल करता है कि आज मुझे काम नहीं करना है, मुझे इस तरह से चिल्ला चिल्ला के बोलना है, जो कि बोल नहीं पाते हैं इस तरह से। तो यस, यही एनर्जीज निकल के आई। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करनी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।